एशियन गेम्स में चीनी ताइपे ने भारत को महिला फुटबॉल में पराजित किया, लेकिन उस हार का हिसाब जो है भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने चुकता कर दिया है। जी हाँ, वॉलीबॉल के एक बेहद महत्वपूर्ण मैच में भारत ने चीनी ताइपे को पराजित कर दिया है। ये चौंकाने वाली जीत है और एशियन गेम्स में अब तक भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम चौंकाने वाला प्रदर्शन ही कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आपको बता दूं कि महिला फुटबॉल में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला चीनी ताइपे से हार गई, 1-2 गोलों से। भारत के लिए अंजू तमांग ने गोल किया था, लेकिन उस हार के बाद चीनी ताइपे की वॉलीबॉल टीम जब भारत की वॉलीबॉल टीम के सामने आई तो बाजी भारत की वॉलीबॉल टीम ने मारी। आपको बता दूं कि रैंकिंग में चीनी ताइपे की टीम वॉलीबॉल में भारत से बहुत ऊपर है, लेकिन बावजूद इसके भारत की वॉलीबॉल टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले भारत ने साउथ कोरिया को चौंकाया था और सभी चौंक गए थे कि भारत ने साउथ कोरिया को वॉलीबॉल में कैसे पराजित कर दिया। लेकिन हर जीत के साथ भारतीय टीम का मनोबल बढ़ रहा है और साथ ही आत्मविश्वास भी। जो भारतीय टीम है वो कहती है कि हाँ, अब आगे जो क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होना है, जापान से मुकाबला होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जापान की टीम अच्छी है, हमें पता है, लेकिन जब हम अन्य टीमों को हरा सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं। अगर हम चीनी ताइपे और भारत के बीच जो वॉलीबॉल का मुकाबला हुआ उसकी बात करें तो भारत ने लगातार 3 गेम में उसे पराजित करके जीत हासिल की है, 25-22, 25-22 और 25-21 से भारत की वॉलीबॉल टीम जीती। मुकाबला हालांकि रोचक था क्योंकि चीनी ताइपे की टीम भी अच्छी थी। पहले गेम में तो चीनी ताइपे की टीम लीड कर रही थी 6-10 से, फिर 11-13 से। उस समय तक भारतीय टीम पीछे थी, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने कमर कसी और उस गेम को 25-22 से जीत लिया। दूसरे गेम में भारतीय टीम को बढ़त थी, 3-0 से आगे थी भारतीय टीम, लेकिन इसके बाद चीनी ताइपे ने प्रयास किया, 17-17 के अंक पर जो है मैच को बराबरी पर ला दिया दूसरे गेम को। लेकिन वहां पर जो है भारतीय खिलाड़ी ने नाजुक मौके पर, बल्कि पूरे मैच के दौरान जब भी नाजुक मौके आए भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी उस पर खरे उतरे और वहां पर अपना नर्व दिखाया और फिर दूसरा गेम 17-17 की बराबरी के बाद 25-22 से जीत लिया। तीसरे गेम में भी भारतीय टीम शुरुआती बढ़त बनाने में कामयाब रही, 10-4 से आगे थी, फिर 14-14 पर बराबरी हुआ, लेकिन इसके बाद कहानी वही हुई जो पिछले 2 गेम में हुई थी। भारत ने 25-21 से तीसरा गेम भी जीता और इस तरह से 3-0 से चीनी ताइपे को हराकर वॉलीबॉल की स्पर्धा में एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। आपको एक बात और बता दूं कि जो भारत की वॉलीबॉल टीम है उसके जो कोच हैं जयदीप सरकार, वो झारखंड बोकारो के हैं, तो उनकी कोचिंग में भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने टीम के अंदर जो है वो इतना आत्मविश्वास भर दिया है, इतना विश्वास भर दिया है कि वो किसी भी टीम को पराजित कर सकती है भारतीय टीम। ये बात अब हर खिलाड़ी के मन में है, तो उम्मीद है क्वार्टर फाइनल में भी भारत की वॉलीबॉल टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और आगे जो है मेडल तक का सफर तय करेगी। हम भारतीय वॉलीबॉल टीम को एशियन गेम्स के आगे के मैचों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।